नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग यूपी पीसीएसजे की परीक्षा में शामिल हुए हैं, और ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कि आगे अब उनको क्या करना है। यूपी पीसीएसजे की प्री की जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की आ चुकी है, और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा और इस बात का अनुमान भी लग गया होगा कि मेरा नंबर कहाँ आ रहा है। हो सकता है आंसर की पर ऑब्जेक्शन किया जाए और एक दो नंबर इधर उधर हो, ये संभव है, लेकिन सारे गलत आंसर को कोई आयोग नहीं सुधारता। उसकी एक्सपेक्टेशन आप करिएगा भी मत, क्योंकि वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत मान के चलते हैं हम लोग। तो अब आपके अपने नंबर का अंदाजा हो गया होगा। अब इस जो नंबर आपका आया हुआ है उसमें तीन कैटेगरी बनती है। एक वो कैटेगरी है जिसमें कि वो बच्चे हैं जो निश्चिंत हैं कि मेरा तो प्री क्वालिफाई है और मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी। तो जो एकदम श्योर वाली कैटेगरी में है कि मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी है, वो मेंस की प्रिपरेशन के लिए अपने प्लान बनाए, अपना शेड्यूल तैयार करें, कौन सा सब्जेक्ट उनको कब शुरू करना है और कितने दिनों में खत्म करना है, उनका पूरा शेड्यूल बन जाना चाहिए तैयारी करने से पहले ही, और उसी हिसाब से वो अपनी तैयारी करें। उतने दिनों में टास्क रखें कि हमारा वो सब्जेक्ट रिवीजन हो जाए। लिख लिख के रिवीजन करें, सिर्फ पढ़ के रिवीजन से कभी भी मेंस नहीं निकलता, इसलिए उसको लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये तो श्योर वालों की हो गई। और एक उसमें बहुत बड़ा वर्ग है जो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट किए हुआ है, मतलब जो लोग इस डायलेमा में हैं कि पता नहीं मेरा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और ये बहुत बड़ा वर्ग है। चाहे 270 किसी का स्कोर आ रहा होगा वो भी 100% श्योर नहीं है, और जिसका 230 है वो भी 100% श्योर नहीं है कि मैं बाहर ही हूं या मैं अंदर। तो ये एक बड़ा 230 से 270 के बीच का जो क्राइटेरिया, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे तो थोड़ा और नीचे जाएंगे। तो इतना बड़ा क्राइटेरिया में बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे भी। तो ऐसे लोगों को मैं यही व्यक्तिगत रूप से यही सलाह दूंगा कि उस स्थिति से निकलने के लिए आप रिजल्ट का इंतजार मत करें, मेंस की प्रिपरेशन सीरियसली शुरू कर दें। और उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उन्हें पहले वो सब्जेक्ट पकड़ना है जो सब्जेक्ट पर उनका कमांड अच्छे से नहीं हो पाया है, मतलब मेंस के सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं और उसमें से कुछ सब्जेक्ट पर आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल नहीं मानते। सबसे पहले आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ जाइए, उसको प्रैक्टिस कर जाइए। जैसे जनरली क्या होता है कि यूपी पीसीएसजे में जो लोकल लॉ का सब्जेक्ट है, लोकल लॉ में दिक्कत रहती है ज़्यादातर स्टूडेंट को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम रहती है उसको उनको यही करना चाहिए कि सबसे पहले वो टास्क रखें लोकल लॉ को, कि जब तक रिजल्ट आएगा तब तक मैं लोकल लाके 6 भी पढ़ भी जाऊंगा और लिख लिख के मैं प्रैक्टिस भी कर जाऊंगा। और अगर मान लीजिए रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है, बहुत अच्छी बात है, आपने समय का सही, सबसे सही सदुपयोग कर लिया है। और अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं भी आता है तो ये पढ़ाई नुकसान नहीं करेगी आपको, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना लीजिएगा पढ़ने का, क्योंकि ये पढ़ा हुआ नुकसान नहीं करेगा, हो सकता है अगली बार आपको काम करे। तो इसलिए आप, मैं लोकल लॉ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा कमांड नहीं रखते हैं सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा, ऐसे हो गए। तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि मैं किसी कारणवश, चाहे गलत ज़्यादा हो गया, चाहे हम अटेम्प्ट ही कम किए थे डर के मारे, चाहे तैयारी नहीं हो पाई थी, चाहे जो भी फैक्टर रहे, तो वो एक ऐसे वर्ग में आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट जो कि जानते हैं कि मेरा अब नहीं होने वाला, प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा। ऐसे लोगों को एक दो दिन पूरा रेस्ट करें, माइंड को पूरी तरीके से रेस्ट दें, जो मन करे और वेब सीरीज देखना हो वेब सीरीज देखें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ समय बिताना हो वो बिताएं, मतलब अपने माइंड को रिलैक्स करना है। किताबों से सिर्फ दूर होने से ही माइंड रिलैक्स नहीं होता, माइंड रिलैक्स उस काम से होता है जिस काम में हमको मजा आता है, तो उस काम को आप करिए। और इस तरीके से दो तीन दिन, दिन चार दिन तक आप करिए, लेकिन फिर उसके बाद पूरी एनर्जी के साथ अपने अगले टारगेट पर लग जाइए। अगला टारगेट का मतलब हो सकता है कि आप अदर स्टेट को भी टारगेट करते हो तो अगले स्टेट के लिए लग जाइए, और अगर इसी स्टेट पर फुली आप कन्फाइन हैं तो आप इसी स्टेट के लिए अगली बार के लिए लग जाइए। हालांकि
अगले अदर स्टेट के लिए भी लगना चाहिए, इसलिए क्योंकि यूपी स्टेट की वैकेंसी हर साल नहीं आती, तो इसलिए आपको बिहार, झारखंड, एमपी और जो स्टेट आपको पसंद हो, राजस्थान, उस स्टेट को भी आपको फोकस करना चाहिए। तो आप उस तरीके से करिए। और एक चीज़ और कि मैंने जो आंसर की अरे कट ऑफ बताया हुआ है पिछली वीडियो में, मैंने देखा है और मैं एक्सपेक्ट करता भी हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत नाराज हो जाते हैं और एकदम से एग्रेसिव होने लगते हैं कि ये क्या बता दिए, ये मजाक हो गया। देखिए, मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं होता है, वो मेरिट बताने का। मेरिट बताने का सिर्फ इरादा हम लोगों का यही होता है कि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन को हम कुछ कम कर सकें, और वो लोग जो प्रिपरेशन आगे करना चाहते हैं उनको एक दिशा मिल सके कि हाँ हम सेफ जोन में हैं अथवा नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति जो आंसर की बताता है, जो कट ऑफ बताता है, वो कट ऑफ कभी भी श्योर नहीं होता है, उसमें 2, 4, 5 नंबर, 10 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो हमने भी जो कट ऑफ बताई है उसमें भी हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक अनुमान होता है। और बेटा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उससे मेरिट कम आएगी, तो मैं भी तो यही चाहता हूँ। आप सिर्फ अपने लिए चाहते होंगे कि मेरिट कम हो जाती तो अच्छा होता और मेरिट कम हो जाएगी, लेकिन मेरिट कम होने की सबसे ज़्यादा खुशी अगर होगी तो मुझे हो, आपसे ज़्यादा, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे होंगे। और मैं बहुत के लिए सोच रहा हूँ, मेरे बहुत से छात्र हैं जिनका नंबर उस कट ऑफ से नीचे आ रहा है, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि कट ऑफ नीचे आए और मेरे बहुत सारे बच्चे उसमें शामिल हो जाएं मेंस की परीक्षा में। तो हमारा कोई व्यक्तिगत तो द्वेष किसी से नहीं होता है, बस हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम सही चीज अपने अनुभवों के आधार पर बताएं, और उसे एक्सेप्ट न करना और एक्सेप्ट करना वो आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, जब भी जरूरत होगी हम आप लोगों को मार्गदर्शन करते रहेंगे, और आप सही दिशा में मेहनत करते रहिए। सिर्फ मेहनत मत करिए, मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाइए, सही तरीके से लगाइए। और बाकी किताबें सब कुछ हैं, सबको मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन मार्केट में मटेरियल उपलब्ध होने से, किताबों में मटेरियल होने से सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन तब होते हैं जब आप जिस परीक्षा को टारगेट करते हैं उस फॉर्मेट में अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लेते हैं, तब आगे बढ़ पाती है नॉलेज। इसी 50,000 लोगों ने जो परीक्षा दी है उसमें नॉलेज बहुत लोगों को बहुत है, लेकिन इस प्री की परीक्षा में बहुत से बच्चे कम भी आ गए, दुर्भाग्य रहा है, और कुछ फैक्टर रहे होंगे जिसकी वजह से नंबर कम आ जाते हैं। तो चलिए, आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये गलतियां ना हों और पूरे जोश के साथ तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट, और जब भी जरूरत होगी मैं आप लोगों से बातें करता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।